गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ शीतल रावत का एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। टुडे आई विल टीच यू कंप्यूटर सब्जेक्ट लेसन 3, हाउ डज अ कंप्यूटर। लास्ट टाइम हमने हाउ डज अ कंप्यूटर देखा था, लेकिन वो पार्ट 1 था। अब अगेन हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तब हमने देखा था इनपुट आउटपुट प्रोसेस के बारे में, देखा था ना। अब हम इनपुट किसे कहते हैं, प्रोसेस किसे कहते हैं और आउटपुट किसे कहते हैं। ओके, तो लेट स्टार्ट। INPUT इनपुट। ओके, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट वी एंटर इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। यानी कि हम जो भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर करते हैं कंप्यूटर में, उसको हम क्या कहेंगे, इनपुट। ओके, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस। वी इनपुट डेटा यूजिंग अ कीबोर्ड एंड माउस। हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं, किससे एंटर करते हैं, तो कीबोर्ड एंड माउस से। तो वो दोनों हमारा क्या हुआ, इनपुट डिवाइसेस। अंडरस्टूड? क्योंकि हम वो दोनों की हेल्प से कंप्यूटर के अंदर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऐड करते हैं। ओके, तो ये हमारा रहा इनपुट। नाउ नेक्स्ट इज PROCESS, प्रोसेस। वर्किंग ऑन डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। यानी कि हमने डेटा इंस्ट्रक्शन ऐड किया, तो उसमें जो सारी प्रोसेसिंग होती है उसको क्या कहते हैं हम, प्रोसेसिंग। यानी कि सारा वर्किंग होता है ना इसमें। हम मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाया था कि टीचर्स हमें जो पढ़ाती है, तो हम ईयर से और आईज से देखते हैं और सुनते हैं। अंडरस्टूड? फिर उसको क्या करते हैं हम, माइंड में हमारा जो ब्रेन होता है उसके, उसमें हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं ना, कि हाँ टीचर ने ये बोला है, मैथ्स में करवाया है 2 + 5 = कितने होते, तो हम उसमें क्या करेंगे, सोचेंगे, फिर काउंटिंग करेंगे हम अपने ब्रेन में, करते ना थिंकिंग के थ्रू। फिर हम जो आंसर देते हैं, किससे स्पीक करते हैं, हमारे माउथ से, तो वो आंसर हमारा फाइनली आता है 7। तो हम वो आंसर क्या देते हैं, 7 स्पीक करते, तो वो हमारा है आउटपुट। यानी कि हमने जो थिंकिंग कर रहे हैं हमारे ब्रेन में, तो वो क्या है, प्रोसेसिंग। तो इसमें प्रोसेस डिवाइस में कौन सा है, पता है आपको, CPU। ओके, द CPU वर्क ऑन डेटा एंटर्स ऑल द थिंकिंग एंड कैलकुलेशंस। जैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है ना, थिंकिंग करता है ना, हर चीज़ का कैलकुलेशंस करता है, कि हाँ टीचर ने ये बोला है तो ये से करना है, ऐसा माइंड में सोचते हैं ना, सोचते कि नहीं। वैसे ही कंप्यूटर में भी हम जो भी डेटा इनपुट करते हैं, तो उसमें जो भी प्रोसेस होती है वो किस में होती है, CPU। यानी CPU को भी कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, ब्रेन। अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट इज OUT PUT, आउटपुट। ओके, तो हमारा आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर। आउटपुट मींस द फाइनल रिजल्ट। जैसे कि हमारा ईयर और आइज क्या हुआ, इनपुट। यानी कि हमने देखा सुना ना, तो वो हमारा इनपुट हुआ। फिर हमने वो सारा माइंड में, ब्रेन में ऐड किया, तो वो ब्रेन में जो भी होता है प्रोसेस, वो हमारा क्या होता है, प्रोसेसिंग। ओके, फिर उसमें सारा कंप्लीट फाइनल हमारा जो रिजल्ट मिलता है हमें, तो हम वो किससे करते हैं, स्पीक करते हैं ना माउथ से, तो वो हमारा क्या हुआ, आउटपुट। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी हम कीबोर्ड और माउस की हेल्प से
जो भी डेटा कंप्यूटर में ऐड करते हैं वो सारा प्रोसेस सीपीयू में होता है और सीपीयू से सारा प्रोसेस होके हमें मॉनिटर के डिस्प्ले पे शो करता है। तो वो हमारा क्या है आउटपुट, यानी कि मॉनिटर हमारा क्या है आउटपुट। व्हेन द सीपीयू फिनिश प्रोसेसिंग द आउटपुट इज डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर, यानी कि सीपीयू अपना प्रोसेसिंग वर्क कंप्लीट कर लेता है तो मॉनिटर के डिस्प्ले पे हमें क्या दिखाई देता है हमारा आउटपुट। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि इनपुट डिवाइसेस का कौन था, कीबोर्ड एंड माउस। प्रोसेस का डिवाइसेस कौन है, सीपीयू। तो वैसे ही हमारा मॉनिटर एंड प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइसेस जिसपे हम अपना फाइनल रिजल्ट देखते हैं। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, नाउ नेक्स्ट इज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टुगेदर आर द इनपुट, हियर टू एंड फाइव आर द डेटा एंड प्लस इज द इंस्ट्रक्शंस। यानी कि हम कीबोर्ड से क्या करेंगे, 2, 5 हम ऐड करेंगे, वो हमारा क्या है डेटा, और प्लस जो हम साइन देंगे उसमें वो क्या होगा हमारा इंस्ट्रक्शंस, यानी वो होगा हमारा इनपुट। सेकेंड, नाउ द सीपीयू विल वर्क ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, इट विल ऐड द नंबर 2 and 5। तो जैसे हमने वो देते हैं 2, 5 plus, तो सीपीयू क्या करेगा उस पर वर्क करेगा, प्रोसेस करेगा। कैसे करेगा, 2 plus 5 इस पर हमारा प्रोसेस होगा। ओके, फिर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 7 इज द करेक्ट रिजल्ट और आउटपुट ऑफ द सम 2 plus 5 इज इक्वल टू 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 7। अंडरस्टूड? यानी मैंने यहाँ से पहले कीबोर्ड से एंटर किया 2, 5 plus। ओके, डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों दे देंगे कि 2 और 5 का क्या करना है, तो प्लस करना है, तो प्रोसेस होगा। प्रोसेस में क्या होगा, हाँ 2 plus 5 दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। फिर वो पूरा प्रोसेसिंग होकर हमें मॉनिटर के डिस्प्ले पे क्या मिलेगा, आउटपुट, यानी आंसर आएगा 7। नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट टू सम एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक, द डेटा दैट वी एंटर इनटू द कंप्यूटर इज नो एज ब्लैंक। ओके, तो हम डेटा एंटर करते हैं तो कंप्यूटर में, तो उससे हम क्या कहेंगे उसको, समझ में आया कि उसको हम क्या कहेंगे, इनपुट। अब आंसर इज इनपुट। ओके, सेकंड ब्लैंक, डैश इज द रिजल्ट गिवन बाय अ कंप्यूटर। तो हमारा जो फाइनल होता है, हमें रिजल्ट मिलता है, उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट। ओके, नाउ थर्ड ब्लैंक इज इनपुट फॉर अ मैंगो शेक इज ब्लैंक डैश ब्लैंक एंड ब्लैंक। यानी कि अगर हमें मैंगो शेक बनाना है तो फर्स्ट हम क्या ऐड करेंगे, मिल्क, सेकेंड मैंगो एंड लास्ट में हम क्या ऐड करेंगे, शुगर। अंडरस्टूड? नाउ फोर्थ, वी एंटर डैश into the computer, हम कंप्यूटर में क्या ऐड करते हैं, डेटा एंड instructions। अंडरस्टूड? ओके, नाउ फिफ्थ, डेटा कैन बी dash, word and dash। डेटा हम कौन से ऐड कर सकते हैं, तो फर्स्ट लेटर, नंबर्स, words and pictures। Okay, now second, B, true or false, write T for true or F for false।
Now first, data type into a computer is called output. हम कंप्यूटर में जो डेटा टाइप करते हैं उसको हम आउटपुट कहेंगे. राइट और रॉन्ग? रॉन्ग. ओके, उसे क्या कहते हैं? इनपुट. नाउ सेकेंड, कंप्यूटर इज अ मशीन. कंप्यूटर मशीन है, यस और नो? टी आर फॉल टी यानी ट्रू. नाउ थर्ड, when a computer work on the data it is called processing. जो computer में data process होता है उसको हम processing कहेंगे. Right, yes. Now fourth, we get input from the computer. Blank, हमें जो भी computer से मिलता है हम उसको input कहते हैं. Right or wrong? Wrong, उसको क्या कहेंगे हम? आउटपुट. नाउ नेक्स्ट, सी, टिक द बेस्ट आंसर. आपको टिक करना है. ओके, तो फर्स्ट, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर डज ऑल द कैलकुलेशंस? ए स्पीकर, बी सीपीयू, नाउ सी माउस. यानी कि कंप्यूटर में जो भी सारा कैलकुलेशंस करता है उसको हम क्या कहेंगे? CPU. यानी आंसर आएगा बी, CPU. नाउ सेकेंड, व्हाट आर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टुगेदर नो एज? ए आउटपुट, बी प्रोसेस, सी इनपुट. यानी जो भी हम डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऐड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट. ओके, नाउ थर्ड, विच पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी वर्क्स लाइक अ सीपीयू? ह्यूमन बॉडी में कौन सा वर्क है जो सीपीयू के जैसे वर्क करता है? फर्स्ट, ब्रेन, माउथ, ईयर्स. तो आंसर क्या आएगा? ब्रेन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, डी, आंसर द फॉलोइंग. तो फर्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द थ्री टैप्स प्रोसेस ऑन विच अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन. यानी कि कौन से थ्री स्टेप है जो कंप्यूटर वर्क करता है? तो आंसर इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर वर्क ऑन डेटा टू गिव द आउटपुट? कौन सा पार्ट होता है जो हमें प्रोसेस सारा काम करके कंप्लीट करके हमें आउटपुट देता है? सीपीयू. वेरी गुड एवरीवन. नाउ थर्ड, नेम द टर्म यूज फॉर द फाइनल रिजल्ट विच वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग. आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या कहेंगे? आउटपुट. वेरी गुड. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर डिस्प्ले द आउटपुट? जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो हमें आउटपुट जो मिलता है तो हम वो कहाँ पे शो करता है उसे? बोलो, हुज गिव मी आंसर? एनीवन? ओके, मॉनिटर. राइट. नाउ फिफ्थ, विच डिवाइस इज यूज टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर? कौन सी डिवाइस से हम डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में? कीबोर्ड एंड माउस. वेरी गुड. थैंक यू एवरीवन. Have a nice day. Bye. Take care.